Welcome back. And we were talking about the fourth challenge, which is influencing and impacting human resource management practices. And that challenge is competing through globalization. And it is said that companies are finding that to survive, they must compete in international markets. इस हवाले से मैं अक्सर एक एक्सप्रेशन कोट करता हूं कि यू डू नॉट चूज टू बिकम ग्लोबल, मार्केट फोर्सेस योर हैंड टू बी वन ऑफ देम. सो फॉर दिस बिजनेसेस मस्ट नीड टू डू द फॉलोइंग. नंबर वन, दे हैव टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, द ग्लोबल हॉटस्पॉट्स, अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेस, डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ WTO, इन तमाम चीजों को समझना, परखना और जानना वो जरूरी है. लाइकवाइज कंपेटिटिवनेस इन ग्लोबल मार्केट्स थ्रू HRM प्रैक्टिसेस, क्योंकि हमारा इस वक्त कंसर्न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से है, हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमें यह देखना होगा कि अब इस ग्लोबल ओरिएंटेशन के अंदर हम अपनी HR प्रैक्टिसेस को किस तरह सबसे बेहतर बनाएं. सो दैट मकसद क्या है, नंबर वन हमारी अपनी सस्टेनेबिलिटी, एंड नंबर टू टू बी एम्प्लॉयर ऑफ द चॉइस. ठीक है, ताकि द हाइएस्ट टैलेंट शुड लव टू ज्वाइन आर ऑर्गेनाइजेशन. सो चैलेंज इस सारे मकसद में जो हमें मिलेगा, टू अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंसेस एंड इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्सेज. पर्टिकुलरली जब हम कल्चरल डिफरेंसेज की बात कर रहे हैं तो वी आर रेफरिंग टू क्रॉस बॉर्डर डेवलपमेंट. सो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो कल्चरल परस्पेक्टिव्स हैं उनको समझना और उनके मुताबिक अपने आप को अपडेट अपग्रेड करना, डिफरेंट मैनेजमेंट ओरिएंटेशंस को समझना, इनको अपडेट और अपग्रेड करना अपने मुताबिक, इन चीजों की जरूरत वो हमें है. ओके, कुछ जगहों पर जो मैनेजमेंट ओरिएंटेशन होगी इट माइट बी जियोसेंट्रिक, कहीं पर पॉलीसेंट्रिक होगी, कहीं पर एथनोसेंट्रिक होगी, हमें इन कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है. कहीं पर स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा, कहीं पर वीक कल्चर होगा, हमें इन पर्सपेक्टिव्स को भी समझना है. होफस्टेड इनसाइट वुड बी गिविंग अस अ रियल डिटेल के कलेक्टिविज्म, इंडिविजुअलिज्म, पावर डिस्टेंस, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन डिफरेंट कंट्रीज में कैसे प्रीवेलेंट है, वहां पर किस लेवल पे मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी अवेलेबल है, वहां पर इंटेलिजेंस किस कदर अवेलेबल है. तो ये तमाम चीजें जानकर दरअसल हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने आप को अक्रॉस द बॉर्डर क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटीज और क्रॉस कल्चरल ओरिएंटेशन उनसे शनासा वो कर रहे हैं. So preparing employees for international assignments, ताकि अगर आप local से regional, regional से national, national से international, फिर multinational और global perspective में अगर आप develop कर रहे हो तो आपको global जो challenges हैं उनका भी पता हो. Likewise, आपको change process को facilitate करना पड़ेगा ताकि जो लोग हैं जो different diversified places में काम कर रहे हैं उनके लिए आसानी वो हो सके. Global perspective में अगर हम अपनी discussion को cut short करें तो हमारे पास सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल मार्केट्स. और हर मार्केट, मार्केट की जो टोन है, हर मार्केट के जो नॉर्म्स हैं, हर मार्केट के अंदर जो काम करने के तरीके कार हैं, याद रखिए कि वो डिफरेंट है. एंड प्रिपेयर एम्प्लॉयज टू वर्क इन फॉरन लोकेशंस. तो अगर आप अपने आप को इंटरनेशनल कंसर्न में लेकर जा रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर्डनेस जो है उसके ऊपर फोकस वो करना पड़ेगा. अब इन चार चैलेंजेस जिनकी अभी हमने एक डिस्कशन की, उन सब चैलेंजेस के एंड पर एक क्वेश्चन हमारे जहन में अराइज करता है कि हाउ HRM प्रैक्टिसेस कैन हेल्प कंपनीज मीट दीज फोर कंपेटिटिव चैलेंजेस. अब हम उन HRM प्रैक्टिसेस की बात करेंगे जिन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने से हम इन चैलेंजेस को ज्यादा आसानी से मीटअप वो कर पाएंगे. और नो डाउट वो चैलेंजेस और वो जो प्रैक्टिसेस हमें मिलेंगी दे वुड बी कमिंग फ्रॉम द प्रैक्टिसेस ऑफ हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स. The first practice I need to discuss with you is HRM strategy should be in accordance with business strategy. जिसके तहत हमने अभी बात की थी कि internal fit और external fit, ये हमारे पास solution number one है. Solution number two, we need to focus upon knowledge development. और knowledge तब तक develop नहीं करेगा जब तक वो share नहीं होगा. Number three, we have to work in teams and we should learn ke team orientation mein synergy wo kaise create ho sakti hai. Number 4, pay systems reward skills and accomplishments.
ओके और अगर आप स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स को रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो उनका जो बिहेवियर है जो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इट वुड बी एक्सटिंक्ट. सिलेक्शन सिस्टम इज जॉब रिलेटेड एंड लीगल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमने शुरू में डिस्कस किया था कि यू नीड टू टॉक अबाउट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम. देन फ्लेक्सिबिलिटी इज वेयर एंड व्हेन वर्क इज परफॉर्म्ड. अब उसमें फ्लेक्स टाइम, फ्लेक्स प्लेस, इस तरह के जितने कंसर्न्स आप सोच सकते हो वो सब के सब आपके इन्वॉल्व वो हो जाएंगे. द नेक्स्ट प्रैक्टिस वी हैव इज वर्क एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉइज आर मॉनिटर्ड ताकि कहीं पर कोई अनएथिकल इलीगल प्रैक्टिस ना हो रही हो, हरासमेंट केसेस ना हो रहे हो. कंटिन्यूअस लर्निंग एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड जिसके लिए ऑब्वियसली हमें सिस्टम्स थिंकिंग, सिस्टम्स अप्रोच, सिस्टम्स इंटेलिजेंस इन चीजों की जरूरत होगी. डिसिप्लिन सिस्टम इज प्रोग्रेसिव. ओके तो लोगों को डिसिप्लिन करना याद रखो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी आर इवेल्युएटेड इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. तो आप इन दो चीजों को इंटीग्रल पार्ट बना दें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का कि तमाम जो एम्प्लॉइज हैं जिस भी कंसर्न से वो किसी प्रोडक्ट के साथ कस्टमर के साथ एसोसिएटेड हैं चाहे वो कोई प्राइमरी एक्टिविटी है या सपोर्ट एक्टिविटी है उसकी एक्टिविटी की इवैल्यूएशन इन पैरामीटर्स पर होगी. लाइकवाइज स्किल्स एंड वैल्यूज ऑफ ए डाइवर्स वर्कफोर्स इज वैल्यूड एंड यूज्ड क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम डाइवर्सिटी भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर हर सोसाइटी में इवॉल्व कर रही है. एंड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू रिड्यूस द टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स एंड टू इंप्रूव एचआर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. सो ये तमाम हमारे पास हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स की प्रैक्टिसेस हैं जिन प्रैक्टिसेस से हम इन चैलेंजेस को बाआसानी मीट वो कर सकते हैं. नाउ इन द लाइट ऑफ द होल डिस्कशन वी हैव डन सो फार we have got certain research findings as well and these research findings are really astonishing. It is said that HR practices directly related to profitability and market value. ab aap financial terms mein bhi agar baat karo ki aapka objective jo hai wo maximization of the wealth of the shareholder hai to us case mein bhi you just cannot ignore the human element. अब इसका कुछ एविडेंस जो मैं रिसर्च फाइंडिंग्स की बात कर रहा हूं वो आपसे मैं शेयर करता हूं कि प्राइमरी रीजन फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इज बेसिकली रिलेटेड विद इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड इट इज सेड दैट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैन रिजल्ट इन 47% इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू. ओके एंड दीज आर ऑल बैक्ड बाय द रिसर्च एविडेंस. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स एंड दैट इज दैट टॉप 10% of organizations studied experienced 391% return on investment in management of human capital. Okay, and likewise there is a list of evidences we have ke jinke tahat hum is baat ko barmala keh sakte hain ke human capital ki importance and value ko hum ignore nahi kar sakte. And those companies who actually focused upon the development of their human capital, they actually were able to gain and retain a very important asset jo unko ek bahut high return jo hai wo dega. Now there are certain misconceptions about the human resource management and its practices. Let's talk about those misconceptions taaki hamara jo viewpoint hai wo har andaaz mein clear ho jaye. The first misconception which is common with the HR working is that आपको याद होगा कि हमने personality dimensions में big five model की बात की थी और big five में हमारे पास एक element था consensuousness का. okay so misconception हमारे पास क्या है कि consensuousness is a better predictor of performance than intelligence. second misconception, first I will be telling you the misconceptions, उसके बाद आपको मैं उसकी remedies बताऊंगा. second misconception कि कंपनीज दैट स्क्रीन जॉब एप्लीकेंट्स फॉर वैल्यूज हैव हायर परफॉर्मेंस देन दोज दैट स्क्रीन फॉर इंटेलिजेंस. थर्ड मिसकंसेप्शन, इंटीग्रिटी टेस्ट्स डोंट वर्क वेल इन प्रैक्टिस बिकॉज सो मेनी पीपल लाई ऑन देम. दिस इज द मिसकंसेप्शन आई टेल यू. नंबर फोर, इंटीग्रिटी टेस्ट्स हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन रेशियल माइनॉरिटीज
That is again a misconception. The fifth, encouraging employee participation is more effective for improving organizational performance than setting performance goals. The sixth misconception is most errors in performance appraisal can be eliminated by providing training to managers on how to avoid them. And the seventh misconception is that if employees are asked how important pay is to them, they are likely to overestimate its true importance. Okay, ab inko aap misconceptions bhi samajh lo, aap inko warnings bhi samajh lo. We have to be careful ke actually research based evidence jo hai, sometimes wo hamari general common perception se hame different results wo show kar rahe hote hain. अब इन सेवन मिसकंसेप्शंस के केस में अगर हम इनकी इंप्लीकेशंस की बात करें तो द फर्स्ट इंप्लीकेशन वी हैव इज दैट सेलेक्ट न्यू एम्प्लॉइज ऑन बोथ इंटेलिजेंस एंड कंसेंचुअसनेस. जैसे मिसकंसेप्शन क्या थी कि कंसेंचुअसनेस जो है परहैप्स इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस, जबकि ये गलत है. इंप्लीकेशन इसकी ये है कि सेलेक्ट न्यू एम्प्लॉइज ऑन बोथ इंटेलिजेंस एंड कंसेंचुअसनेस. नंबर टू, असेस इंटेलिजेंस एंड कंसेंचुअसनेस बिफोर वैल्यूज. Number three, define values that are important and assesses them through carefully developed and valid procedures. Number four, use integrity tests with ability tests for high predictability. Okay, इनको standalone आप use नहीं करें, इनको हमेशा combination में use करें. Number five, develop compelling goals and list participation and support it through rewards. ओके, जितना चैलेंजिंग टास्क आप दोगे, नो डाउट चैलेंजिंग टास्क आपका स्मार्ट डिफाइन होना चाहिए, पॉसिबल भी होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए, लेकिन जितना चैलेंजिंग टास्क आप असाइन करोगे उतना ज्यादा मोटिवेशन लेवल आप इंप्लॉइज में पाओगे. इसी तरह सिक्स्थ इंप्लीकेशन इज दैट ट्रेनिंग एंड फीडबैक आर इंपॉर्टेंट बट एरर्स आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट. टॉप मैनेजर्स शुड सर्व एज रोल मॉडल्स इन क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यूज. और जब तक कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, आपका कोई भी सिस्टम, आपका कोई भी एस्पेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट, चेंज, डेवलप नहीं कर पाएगा. एंड द सेवेंथ इंप्लीकेशन वी हैव इज दैट एटीट्यूड सर्वेज आर सब्जेक्ट टू बायसेस, स्टडी बिहेवियर्स एज वेल एज द एटीट्यूड्स. एंड रिमेंबर कि ये इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले, इट्स नॉट दैट इजी. इसको हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल जाकर एस्टैब्लिश और डेवलप वो करना पड़ता है, वरना यू वुड नॉट बी एबल टू एलिमिनेट द बायसेस, यू वुड नॉट एलिमिनेट द फेवरेटिज्म, और नतीजतन आपका जो इवेल्युएशन होगा वो कंटेमिनेटेड होगा और वो खराब होगा. इस सारी डिस्कशन को अब अगर हम कंक्लूजन की तरफ लेकर चले, so the conclusion is, number one, people limit or enhance the strengths and weaknesses of an organization. That's the bottom line. Number two, the mechanized or routine oriented workforce is given way to a more knowledge based, information rich workforce. So replacement ho rahi hai and we have to be careful about it. The HRM function today is much more integrated and strategically involved, no doubt in it. Number four, HRM and every other function must work together to achieve the level of organizational effectiveness required to compete locally and globally. Towards the end of my session, I would like to discuss this quote with you. I really like the expression, and it says, when we learn something from each other, we are formed by the experience. We are authors of each other. With these words, I would like to discuss with you a very interesting experience of mine. And the experience I would like to share with you is related to a training conducted by me for the Punjab's high school
head teachers. And this training was assigned by Directorate of Staff Development, Punjab Lahore, जिसमें के बेशुमार हमारे हाई स्कूल के जो ऑनरेबल सीनियर टीचर्स हैं, दे वर देयर एंड आई वाज सपोज्ड टू डिस्कस विद देम ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज एंड सिस्टम्स. मुझे कुछ अंदाजा था कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सपोजर आई एम गोइंग टू हैव. So starting from the general discussion related to the human resource management, very soon I realized that I have to change the environment. And when I needed to discuss with them the concept of knowledge, skills and abilities, I turned on this slide. Aur mera concern unke sath ye tha ki if you could see on the left side of the screen, you would find your present. And if you could see on the right side of the screen, that is where I want you to be. That is the future. और मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि इस past और इस present को, which is on the left side of the screen, आप इस future में convert वो कैसे कर सकते हैं? Because remember, कि जब ग्रास रूट लेवल इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, जब बुनियाद आपकी मजबूत नहीं होगी, तो आप इमारत कभी भी स्ट्रांग और ऊंची खड़ी नहीं कर पाओगे. सो सेम इज द क्वेश्चन विद यू एज वेल, कि द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन इज परहैप्स लुकिंग लाइक योर ओन करंट कल्चर. And the right side of the screen is perhaps where all of you would like to have your generation to be. Is transformation ke liye hame kin aspects ki zarurat hai, kis knowledge ki zarurat hai jisme experience, exposure and education ki hum baat kare, kin skills, competencies, proficiencies and efficiencies ki zarurat hai, kin abilities, psychological and physiological ki zarurat hai, jisse ke is tarah ki transformation किसी एक शोभा है जिंदगी में नहीं, बल्कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हम लेकर आ सकें. अदरवाइज डे टू डे जी लेने में और जिंदगी गुजार लेने में कोई बहुत बड़ा शायद कारनामा वो नहीं होगा. देयर इज अ वेरी फेमस कोटेशन विच सेज कि ऑलवेज ट्राई टू एवेल्यूएट कि आप जिंदगी को गुजार रहे हैं कि जिंदगी आपको गुजार रही है. हमारे कल्चरल परस्पेक्टिव में, हमारी लोकल ओरिएंटेशन में, सेठ साहब की फैक्ट्री, कंपनी और कारखाने के अंदर क्या मसाइल और क्या इश्यूज हैं, हमें उनसे भी शनासा होना है और हमें हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स की जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे भी शनासा होना है. और इस शनासाई के बगैर हमारा सर्वाइवल वो शायद मुमकिन नहीं होगा. देयरफॉर बीइंग द coming generation, young generation, perhaps I'm talking and addressing to the millennials and generation X, meri badi strong conviction hai aapse ki aap isko as a resolution, as a revolution pick kare aur aap soche is baat ko ki hamare factory, karkhana, company ke masail se lekar hamare power loom pe kaam karne wale mazdooron ke problem se lekar ek development perspective वो कैसे आ सकता है और उसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी ऑफ नॉलेज वो कैसे क्रिएट होगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम अपने कॉल फॉर पेपर्स पर बात करेंगे. माय लेक्चर सेशन इज ओवर नाउ.